हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और स्लोली एंड स्टडी आई मूव टू फॉर्मूला टू फॉर्मूला देन इट विल टेक यू द नेक्स्ट लेवल एट एडवांस एक्सेल. सो सेकंड इज रो वर्सेस कॉलम वर्कबुक एंड वर्कशीट. मैं आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक. रो वर्सेस कॉलम मींस हमारे एक्सेल्स के अंदर रो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं. ये वर्टिकली क्या होता है कि हम लोग कभी भी कोई भी रो को डिफाइन करेंगे, हम लोग जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें कौन सा रो में है या कॉलम्स में है, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से वर्टिकली हम लोग रो डिफाइन करते हैं, देन हॉरिजॉन्टली हम लोग कॉलम्स को डिफाइन करते हैं. एज आई मेंशंस यू कैन सी इन माय स्क्रीनशॉट. सो दिस इज द रोज, ठीक है, और दिस इज द कॉलम. सॉरी, मैंने पहले वर्टिकली जो है वो कॉलम हम लोग यूज करते हैं एंड रोज को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं. तो सेकंड, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेल मेंशन किया है. हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए हमें सेल का नेम बताना चाहिए. दैट मींस कि अगर हम लोग देखो, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यू कैन सी मैं यहाँ जब भी किसी भी सेल को अपना सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय टॉप जो टैब जो ऑप्शन है उसके नीचे यहाँ पर देखिए F6 आता है. अगर मैं A1, देखिए ये कॉलम A, देन ये मेरा रो 1 मींस ये मेरे सेल का नेम है A1. देखिए यहाँ भी इस साइड भी A1 आता है. अगर मैं ये देखो और A है, ये मेरा कॉलम A, देन ये मेरा फोर्थ नंबर रो है. अगर मैं यहाँ सेल को डिफाइन करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो देन इट विल कम ऑन A4, द सेल नेम इज A4. सो दैट यू कैन ऑल्सो डिफाइन हम लोग सेल को लेके. बट आप ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग किसी भी सेल को किसी भी फॉर्मूले में जब हम लोग आगे, मैं आपको रेंज सिलेक्शन और वो सब चीजें ताकि आपको थोड़ा क्लियर भी समझ में आ जाए. कॉलम जो है वो इस तरीके से वर्किंग करते हैं, रो होगा इस तरीके से वर्किंग करते हैं, सेल मैंने आपको बताया. देन हमारा जो वर्कबुक है, मैं एक ब्लैंक शीट लेके आता हूँ. देखिए मेरा जो ये ब्लैंक शीट है ये दैट इज कॉल्ड वर्कबुक. ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर आई आप, ये यहाँ पर बुक नंबर 1, दैट मींस कि अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे वर्क बुक के नेम से यहाँ पर सेव होगा. और ये देखिए नीचे शीट 1, शीट 2, यहाँ प्लस का निशान है, हम लोग इसको क्लिक करते रहेंगे तो मेरे नया शीट ओपन होता रहेगा. ये मेरी वर्कशीट है. आप यू कैन ऐड एज मच एज यू कैन ऐड वर्कशीट इन दिस वर्कबुक. हम लोग सेव करेंगे वर्कबुक, हमारा नेम जो होगा वर्कबुक के नेम से होगा. कोई भी स्टूडेंट डाटा अगर होगा तो हम स्टूडेंट के .xlsx हम लोग सेव कर लेंगे फॉर्मेट के अंदर. मैं और ये हमारी वर्कशीट है, आप इसमें कितना भी वर्कशीट एड ऑन करते जाएं. तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ. देखिए ये मेरा जब क्लोज हम लोग करेंगे तो ये बुक मेरी जो है वो सेम ही है. देखिए फाइल नेम बुक 1, दैट मींस कि आपको जो भी नेम यहाँ पर देना है एज पर योर डाटा, कोई भी डाटा हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम दे सकते हैं और यहाँ सेव कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर डोंट सेव, देखिए मैं अगर डोंट सेव करूंगा, कैंसिल कर दूंगा तो मेरा इसी शीट में ये क्लोज नहीं होगा. अगर मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ और मैं इसको सेव नहीं करूंगा, डोंट सेव करूंगा, तो ये मेरा दोबारा से वो मेरा जो शीट मैंने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा. तो होम पर चलते हैं. देन अगेन